हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं काकरिया कार्निवल में, जो कि हमारे अहमदाबाद में बहुत ऐसे बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे कार्निवल काकरिया का 31 तक होता है, पर हम लोग बीच वाले दिन में जा रहे हैं, लास्ट दिन में भी जाएंगे अगर जा सके तो। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग 4 जने जा रहे हैं, बाइक पे ही जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। तो अभी निकलेंगे, आपको पूरा वहाँ का डेकोरेशन और वो सब भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वन डे ब्लॉग्स, और सपोर्ट करते रहिए, और पूरा वीडियो देखिए आप, काट काट के मत देखिए। तो सपोर्ट करते रहिए वन डे ब्लॉग्स को। तो गाइज, हम लोग काकरिया जा रहे हैं, तो हमारे स्वयं सेवक रतन पुरोहित वो हमको बोलेंगे कि काकरिया में कौन सी एक्टिविटी होती है, बोलिए। तो सबसे पहले तो ये पूरा फ्री है 25 से लेके 31 दिसंबर तक। काकरिया पूरा फ्री है 25 से लेके 31 दिसंबर तक। फिर पूरा मींस के अंदर की जो एक्टिविटीज है उसका चार्जेस है, लेकिन उसकी एंट्री फ्री है, जो कि नॉर्मल डेज पे 20 रुपीज़ होती है। फिर यहाँ पे सुबह योगा क्लासेस होते हैं, फिर लाफिंग क्लासेस होते हैं, जुम्बा होता है। फिर इस बार तो गुजरात पुलिस की तरफ से डॉग शो, हॉर्स शो, वो सब भी हो रहा है। फिर एजेड लोगों के लिए एक्टिविटी एरिया किया गया है, किड्स लोगों के लिए एक्टिविटी एरिया किया गया है। फिर रात को 10 बजे के बाद लेजर शो और आतिशबाजी भी होगी, और फिर 10 बजे से पहले मीन्स 6:30 अराउंड शाम को सब लोकगीत और कल्चरल डांस और वो सब होगा। तो मतलब जिसमें यहाँ के रिनाउंड जो आर्टिस्ट है वो लोग आ रहे हैं, जैसे कि कीर्तितन गढ़वी है, दिव्या चौधरी है, सराबुद्दीन राठौड़ है, वो सब आ रहे हैं। तो बस इसलिए हम लोग जा रहे हैं एंजॉय करना, देखते हैं अभी। तो जैसा कि रतन ने बोला कि सब लोग आने वाले हैं, तो आप भी आना काकरिया, कभी आ सको तो। कहीं बाहर की पब्लिक हो, अहमदाबाद में ना रहते हो, अहमदाबाद से बाहर हो, तो आप लोग भी आ सकते हो। वेलकम टू अहमदाबाद।
रास्ते आनो मारा रास्ते
काकर है, कार्निवल पूरा सक्सेसफुली हो गया, हमने पूरा घूम लिया, सब कुछ खत्म, मतलब अच्छे से हो गया सब कुछ। तो अभी इस ब्लॉग का हम लोग एंड कर रहे हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, वो अभी 2-3-4 दिन में आ जाएगा। तो देखते रहिए हमारे साथ वनडे ब्लॉग्स, और लाइक करें, सपोर्ट करें, सब करते रहे और बने रहिए वनडे ब्लॉग्स।